हेलो दोस्तों, आज हम 2x2 के ब्राउन पैटर्न टाइल्स में एपॉक्सी ग्राउटिंग करने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ टाइल्स के सभी जॉइंट में रोड, मिट्टी, सीमेंट वगैरह जो भी कचरा है वो कचरा निकाल दिया है और जॉइंट को हमने पूरा क्लीन कर दिया है। और जो जितनी भी मिट्टी निकली है जॉइंट में से, वो सभी मिट्टी को हमने एक झाड़ू की मदद से इकट्ठा कर लिया है ताकि ब्लोअर चला के समय बहुत हवा में फैले नहीं। झाड़ू की मदद से मिट्टी इकट्ठी करने के बाद अब हम टाइल्स के जॉइंट में जो भी थोड़ी बची मिट्टी रह गई है उस मिट्टी को निकालने के लिए हमने यहाँ एयर ब्लोअर का इस्तेमाल किया है। एयर ब्लोअर की मदद से जो भी थोड़ी भी मिट्टी रह जाती है वो पूरा निकल जाती है और हमारा टाइल्स का जो जॉइंट है वो जॉइंट एकदम क्लीन हो जाता है। इसके लिए हमने यहाँ एयर ब्लोअर का इस्तेमाल किया है। मिट्टी धूल वगैरह क्लीन हो जाने के बाद अब हमने यहाँ सीमेंट बेस ग्राउट तैयार किया है। ये ग्राउट इसलिए हमने तैयार किया है जो हमारा जॉइंट 809 mm गहरा था, इसलिए हमने यहाँ सीमेंट बेस ग्राउट तैयार किया है। ये ग्राउट को हमने टाइट जो जॉइंट है उसमें भरेंगे, इसलिए हमने यहाँ ब्राउन कलर का ग्राउट यूज किया है ताकि हमें यहाँ ब्राउन कलर यानी कि चॉकलेट कलर की एपॉक्सी भरनी है, इसलिए हमने नीचे ब्राउन कलर का ग्राउट यूज किया है। और एक पेस्ट के फॉर्म में जो हम नॉर्मल सीमेंट बनाते हैं बस वैसे ही हमने यहाँ पानी में यह पाउडर डालकर एक पेस्ट तैयार करनी है। ग्राउट की पेस्ट तैयार हो जाने के बाद जो हमारा टाइल्स का जॉइंट 809 mm गहरा है वो जॉइंट में हम ये जो हमने सीमेंट बेस ग्राउट बनाया है वो ग्राउट को हम जैसे एपॉक्सी भरते हैं बस सेम वैसे ही टाइल्स के जितने भी जॉइंट है वो सभी जॉइंट में हम जितना हो सके उतना दबा कर भरेंगे। जो आप वीडियो में देख रहे हैं सेम हमने पूरा ही टाइल्स के जितने भी जॉइंट हैं वो सभी जॉइंट में एक ग्राउट की एक लेवल बना रही है। टाइल्स के सभी जॉइंट में जो हमने ये सीमेंट ग्राउट भरा है वो ग्राउट को हमने एक स्पेसर की मदद से 4 से 5 mm निकाल कर एक डीप ग्रू यानी कि खड्डा कर दिया है जो टाइल स्पेसर की मदद से पूरा 4 से 5 mm डिप रखकर उसको एक लेवल बना दी है। जैसे कि हमने यहाँ कलर काम करने से पहले जो हम POP का लेवल बनाते हैं सेम वैसे ही हमने यहाँ सीमेंट बेस का एक लेवल बना दिया है। टाइल्स के सभी जॉइंट में ग्राउट भर जाने के बाद उसमें हमने 4 से 5 mm ग्लू रखने के बाद अब हम बाल्टी में साधारण पानी और एक स्पंज की मदद से जो भी हमने यह ग्राउट भरा है वो ग्राउट को हमने टाइल्स से अच्छी तरह साफ किया है। साफ करने के लिए हमने यहाँ जो स्पंज आता है उस स्पंज की मदद से हमने टाइल्स के जितने भी जॉइंट है वह सभी जॉइंट में एकदम क्लीन कर दिया है।
स्पंज की मदद से हमने जितना हो सके उतना क्लीन किया, फिर भी यहाँ थोड़ी गंदगी रह गई थी। उस गंदगी को साफ करने के लिए हमने यहाँ बाल्टी में साधारण पानी और एक कॉटन की मदद से हमने पूरा पोछा लगा दिया है, जिसके वजह से टाइल्स का जो फ्लोरिंग है हमारा वो एपॉक्सी भरने के लिए पूरा एकदम क्लीन हो गया है, ताकि एपॉक्सी भरते समय कोई मिट्टी या कोई कचरा बीच में ना आए। टाइल्स का फ्लोरिंग पूरा क्लीन हो जाने के बाद अब हम टाइल्स के जितने भी जॉइंट हैं वो सभी जॉइंट में एपॉक्सी भरेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ एपॉक्सी की यह वीडियो में एपॉक्सी कैसे बनाते हैं यह वीडियो हमने यहाँ नहीं बताई हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको एपॉक्सी कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो देखनी हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ हमने बहुत सारी वीडियो में एपॉक्सी कैसे बनाते हैं उसकी पूरी प्रोसेस दिखाई है। तो दोस्तों, यहाँ हमने ब्राउन कलर की टाइल्स में जो पैटर्न है वो ब्राउन मेट कलर की है, इसके लिए हमने यहाँ वेबर कंपनी का चॉकलेट कलर यूज किया है जो टाइल्स को आधा मैच करता है। एपॉक्सी हमारे जितने टाइल्स के सभी जॉइंट है वो सभी जॉइंट में भर जाने के बाद अब हम इसकी सफाई यानी कि फिनिशिंग की प्रोसेस करेंगे। सफाई के लिए हमने यहाँ जो मार्केट में नॉर्मल कॉटन आता है उस कॉटन और एक बाल्टी में साधारण पानी, जिसमें हमने यहाँ शैम्पू का इस्तेमाल किया है, यह कॉटन को हमने यहाँ पानी में भिगो कर टाइल्स का जो जॉइंट है उसको सर्कुलर मोशन में घुमाया है। इस तरह से घुमाने से जो आजू बाजू एपॉक्सी की गंदगी है वो गंदगी बड़ी आसानी से क्लीन हो जाती है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना, जब भी आप एपॉक्सी की क्लीनिंग की प्रोसेस कर तो हमेशा कॉटन को हमें यहाँ सर्कुलर मोशन में ही घुमाना है, ताकि सर्कुलर मोशन में घुमाने से जो एपॉक्सी की गंदगी आजू बाजू चिपकी है वो बड़ी आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। और दोस्तों, हो सके तो जो हमने एपॉक्सी भरी है उसके तुरंत ही उसको क्लीनिंग करने की प्रोसेस शुरू कर देनी है। टाइल्स के फिनिशिंग की प्रोसेस हो जाने के बाद हमने यहाँ जहाँ गंदगी दिखी वहाँ एक बार फिर से पोछा लगा कर पूरा क्लीन कर दिया है, और उस क्लीनिंग के बाद यह हमारा फाइनल लुक आ गया है। दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे हैं जो हमने यहाँ कलर वेबर कंपनी का चॉकलेट कलर यूज किया है। यह कलर इसलिए यूज किया हमने, जो हमारी 2x2 साइज की टाइल्स है उसमें जो आप देख रहे हैं वो पैटर्न है, जो लाइनें दिख रही है यह लाइनें हमारी ब्राउन कलर थी, तो उस पैटर्न को मैच करते हुए हमने यहाँ वेबर कंपनी का चॉकलेट कलर को यूज किया है, और वही चॉकलेट कलर आप देख रहे हैं वीडियो में बहुत ही शानदार दिख रहा है, और टाइल्स का यह कलर भरने से आप देखो टाइल्स का फ्लोरिंग का लुक बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो दोस्तों, हमने यहाँ वीडियो के माध्यम से यह पूरी प्रोसेस दिखाई है। तो दोस्तों, पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।